No problem.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आई होप एवरीवन इज फाइन। यस अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल रिस्क को और उसके मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग इन्वेसिव प्रोसीजर्स या सर्जरीज में कॉमन कॉजेस क्या होती हैं कॉम्प्लिकेशंस की या एडवर्स इवेंट्स की और हम उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। लास्टली हम देखेंगे कि कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होते हैं और हम उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज अ क्लिनिकल रिस्क। क्लिनिकल रिस्क को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सपोज एक पेशेंट जिसको हमने एक्सरे एडवाइस किया है या किसी पेशेंट को हम सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम टूवर्ड्स रेडिएशन एक्सपोज कर रहे हैं, तो रेडिएशन जो है वो उस पेशेंट के लिए क्लिनिकल रिस्क है। क्लिनिकल रिस्क की पेशेंट सेफ्टी में इम्पॉर्टेंस ये होती है कि अगर हम क्लिनिकल रिस्क को आइडेंटिफाई करें, उनको असेस करें, तो हम अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो क्लिनिकल रिस्क की वजह से पेशेंट को कोई हार्म हो सकता है, हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। सपोज जहाँ पर हम पेशेंट को एक्सरेज एडवाइस कर रहे हैं और फ्रीक्वेंट एडवाइस कर रहे हैं, उसकी वजह से पेशेंट टूवर्ड्स रेडिएशन एक्सपोज हो रहा है, तो लेटर ऑन रेडिएशन इंड्यूस मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं। तो हम उनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो एक्सरेज की एक्सरेज हम एडवाइस कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर दें, हम अपनी क्लिनिकल जजमेंट ज़्यादा बेहतर कर लें। ऑन अदर हैंड अगर किसी जगह पर हमें लग रहा है कि हम सीटी स्कैन की जगह पेशेंट को एमआरआई एडवाइस कर सकते हैं और उसके ज़्यादा बेटर हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो हम एमआरआई को एडवाइस कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम जो क्लिनिकल रिस्क है उसके मैनेजमेंट के स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप नंबर वन में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज द रिस्क। नंबर टू नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम उसको क्वांटिफाई करते हैं कि उस रिस्क की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसकी सेवेरिटी क्या है। नंबर थ्री हम उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। और लास्टली हम देखते हैं कि उस रिस्क की कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक सीटी स्कैन या एक्सरेज की एग्जाम्पल ली है, तो इन दैट केस जो कॉस्ट होती है वो पेशेंट के अंदर मैलिग्नेंसीज होती है, एडवर्स आउटकम क्या हो सकता है, वो उस रिस्क की कॉस्ट होती है। नेक्स्ट क्या हम कैसी ऐसी एक्टिविटीज रख सकते हैं जिसके अंदर हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, सच एज हम ऐसे इंसिडेंट्स की मॉनिटरिंग करें, ऐसे सर्वेज हों, रिव्यूज हों, रिसर्च हो जिनके जरिए हमें क्लिनिकल रिस्क का को असेस कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें। नेक्स्ट सेंटिनल इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाए। सेंटिनल इवेंट्स मीन्स वो ऐसे एडवर्स इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से आइदर पेशेंट की डेथ हो जाती है या कोई स्वेयर फिजिकल या साइकोलॉजिकल कोई आउटकम होती है। एंड दैट इज द रीजन ऐसे इवेंट्स को, एडवर्स इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा एरर जो है वो ना हो सके। सेंटिनल इवेंट्स की एग्जाम्पल हो सकती हैं एक्सट्रीम केसेस में कोई पेशेंट सुसाइड कर लेता है, आइदर बिकॉज ऑफ ए मेडिकेशन का साइड इफेक्ट था और पेशेंट की जो इलनेस थी वो क्रॉनिक थी। अदर देन डेट कोई ऑपरेटिव या पोस्ट ऑप कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कोई ट्रीटमेंट डिले हो सकता है, मेडिकेशन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट इज द कंप्लेंट्स। जो पेशेंट्स टूवर्ड्स हेल्थ केयर सिस्टम कोई कंप्लेन करते हैं, अगर हम उनको प्रॉपरली एड्रेस करेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट टाइम वो एरर्स नहीं होंगे, पेशेंट का हेल्थ केयर सिस्टम पर जो ट्रस्ट होता है वो मेंटेन रहता है और जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट कोई भी मेडिकल पर्सन जब अपनी प्रैक्टिस के अंदर आता है तो उसकी प्रैक्टिस के थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। नंबर वन क्रेडेंशियलिंग होती है, विच मींस कि जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। नेक्स्ट होती है एक्रीडेशन कि आप ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हों। एंड लास्ट स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास है पेशेंट सेफ्टी एंड इन्वेसिव प्रोसीजर्स, इनकी आपस में सिग्निफिकेंस क्या है। ड्यूरिंग सर्जरीज या आफ्टर सर्जरीज जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज करती हैं उनकी कॉमन कॉजेज क्या होती हैं। नंबर वन पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स थी जिसकी वजह से पोस्ट ऑप पेशेंट को इन्फेक्शन हुए हैं।
Number two, patient management inadequacy. Or lastly, communication failure, either between the patient and the medical persons or between the healthcare providers. Agar communication failure hai, uski wajah se bhi adverse effects ho sakte hain towards the patient. During surgeries or after surgeries, jo adverse events hote hain, unko hum minimize kaise kar sakte hain? Number one, hum verification process ko follow karein. Number two, jo operating room ki techniques hoti hain, unko practice karein. And lastly, jo koi mortality or morbidity se related meetings hoti hain, unke andar participate kiya jaye aur unko attend kiya jaye. Number one, hamare paas hai verification process. Verification process ki significance ye hai ki koi bhi wrong patient jo hai wo select na ho for surgery. Correct patient receives the right procedure at the right time and place. Verification process जो होता है before surgery भी होता है, during surgery और post surgery भी है. Verification process के अंदर ये भी important है कि हम अगर patient को कोई treat कर रहे हैं, कोई patient के साथ कोई उसको medication दे रहे हैं, या patient की जब हम कोई surgery perform कर रहे हैं, we always follow a guideline ताकि जो एक law है वो सबके लिए universal हो. किसी भी डिजीज से रिलेटेड है या किसी प्रोसीजर से रिलेटेड है, वो शुड ऑलवेज फॉलो अ गाइडलाइंस ताकि वो चीज सबके लिए यूनिवर्सल हो, ताकि आपस में हेल्थ के प्रोवाइडर्स के लिए आपस में डिस्कस करने के लिए भी जो है वो उनके लिए एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म हो. नेक्स्ट वी हैव कि डिफरेंट जब हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद हैं तो हमने उसके एसओपीज को फॉलो करना है. उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो कम्युनिकेशन होती है, और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो अपना वर्कलोड को मैनेज करना होता है ताकि वन इंडिविजुअल पर्सन जो है वो स्ट्रेस आउट ना हो. लास्टली ये है कि ड्यूरिंग सर्जरीज या विद इन वार्ड अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके अंदर फ्रॉम वेरी बिगनिंग पेशेंट की हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, पेशेंट के ट्रीटमेंट को डिस्कस किया जाता है, और ये देखा जाता है कि पेशेंट की जो डेथ है उसके अंदर कोई हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई फ्लॉज तो नहीं प्रेजेंट है. ऐसी मीटिंग्स को अटेंड किया जाए, उनमें पार्टिसिपेट किया जाए. सेकेंडली, इन सर्जिकल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी मीटिंग्स की सिग्निफिकेंस ये है कि हमने खुद फाइंड आउट करना है जब हम इन मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं कि आइदर ये मीटिंग्स ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं है. इन मीटिंग्स के अंदर एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग पर एम्फेसिस किया जा रहा है या नहीं, और हमारी जो ओवरऑल डिस्कशन है जिसके अंदर कंसल्टेंट्स भी प्रेजेंट हैं, रेजिडेंट्स प्रेजेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स भी प्रेजेंट हैं, तो हमारी ओवरऑल जो डिस्कशन है उसमें जूनियर्स को भी इनकरेज किया जा रहा है या नहीं, और जो हमारी डिस्कशन का गोल है वो क्या है, आइदर इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी है या हमारा गोल ये है कि हम प्रिवेंट करें, हम उस डिस्कशन को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. और सेकेंडली, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर हम कोई ऐसी नई टेक्निक्स या ऐसी प्रिवेंटिव कोई मेजर्स ले रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा केस जो है वो दोबारा से ना हो सके. लास्ट हमारे पास है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस, जिनको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं, और हम उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं. नोजोकोमियल इन्फेक्शंस या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की इम्पॉर्टेंस या उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम जो पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं उनके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है. जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके अपने साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं. नंबर वन, अगर ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे जब हम पेशेंट्स के अंदर दोज हु आर हैविंग द नोजोकोमियल इन्फेक्शन हम उनमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, लेटर ऑन पेशेंट्स उन्हीं के अगेंस्ट उन्हीं एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, तो देन दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट द पेशेंट्स, जिसकी वजह से पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी इंक्रीज हो जाती है. सो नोजोकोमियल इन्फेक्शन की सिग्निफिकेंस ये है कि हम ऐसे मेजर्स लें, ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स लें ताकि नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को हम कम कर सकें. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस की जो मोस्ट कॉमन कॉजेज होती है, नंबर वन, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है, पर्सन टू इक्विपमेंट कॉन्टैक्ट हो सकता है, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन है,
एयरबोन ट्रांसमिशन है जिसमें हम थ्रू स्नीजिंग जो है वो अपनी रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स को दूसरों को ट्रांसमिट कर सकते हैं. लास्टली जो है कैरियर्स ऑन द हॉस्पिटल स्टाफ. हॉस्पिटल स्टाफ इटसेल्फ कैरियर हो सकते हैं किसी भी डिजीज का और वो अपनी डिजीज जो है वो दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को या पेशेंट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं उनकी मेन टाइप्स क्या हैं. नंबर वन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है उन पेशेंट्स के अंदर जो वार्ड्स के अंदर एडमिट होते हैं और ये बेसिकली दे आर बिकॉज ऑफ द कैथेटर्स जो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कैथेटर्स पास करते हैं तो कैथेटर इंड्यूस्ड इन्फेक्शंस होते हैं. नंबर टू, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस होते हैं. दे आर आइदर बिकॉज ऑफ द पुअर जो हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स की वजह से हैं या पेशेंट हैज डेवलप्ड अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स दैट वी आर गिविंग टू द पेशेंट. ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस हैं. ब्लड स्ट्रीम आइदर बिकॉज ऑफ जो आई वी लाइन्स हैं हमने पेशेंट्स को पास की हैं उनके थ्रू इन्फेक्शन जो है पेशेंट्स के ब्लड के अंदर एंटर हो गया और सेंट्रल वीनस लाइन्स हमने पेशेंट्स के अंदर पास की हैं उनके थ्रू इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है. अदर देन दैट जो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हैं जिसमें नमोनिया दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन एज द नोसोकॉमियल इन्फेक्शन. इसके अलावा जो है इंटरनेशनली डिफरेंट कैंपेन्स जो थी उनको कंडक्ट किया गया है टू डिक्रीज द नोसोकॉमियल इन्फेक्शन. वन वॉज WHO क्लीन हैंड्स आर सेफर हैंड्स वॉज अ कैंपेन. अदर देन डैट एक अमेरिकन थी CDC की तरफ से कैंपेन थी ताकि जो एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर उसको मिनिमाइज किया जाए. लास्टली 5 million लाइव्स कैंपेन थी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट. ऐसी कैंपेन्स जो होती हैं वो लोकली भी कंडक्ट की जाती हैं और इसके अलावा इंटरनेशनली भी जो है वो कंडक्ट की जाती है ताकि अवेयरनेस जो है पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस हो, सेकेंडली जो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके अंदर भी जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जाए. लास्टली जो है हम नोसोकोमियल इन्फेक्शंस को या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को कम कैसे कर सकते हैं. नंबर वन, विजिबली क्लीन. विजिबली क्लीन, अगर ग्रॉस कंटेमिनेशन आपको कहीं पर मिल रही है तो उसको साफ करें. नंबर टू, क्लीनिंग जो प्रोसेस होता है वार्ड्स के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, उनको इंक्रीज किया जाए ड्यूरिंग आउटब्रेक्स, आइदर वो एपिडेमिक्स हैं या पेंडेमिक्स हैं. और इसके अलावा डिसइंफेक्टेंट्स को यूज किया जाए. प्रिवेंशन के अंदर जो है डिजीजेस की प्रिवेंशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द हैंड वॉशिंग है. We must know how to clean the hands and the choice for of clean hand practice. इसके अलावा जो है वो WHO की तरफ से कुछ steps जो हैं वो उन्होंने define किए हैं कि जो health care providers हैं वो किस तरह अपने hands को wash करें ताकि उनकी तरफ से जो infections हैं वो transmit ना हो सकें to the patients or other health care providers. नेक्स्ट जो है वो हम नोसोकोमियल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ग्लव्स, एप्रन्स एंड फेस मास्क. इसके अलावा ये है कि जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं सच एज नीडल्स हैं उनको शार्प कंटेनर्स स्पेसिफाई होते हैं उन्हीं के अंदर जो है उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए. यूजुअली रेड कलर कंटेनर्स होते हैं वार्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वंस यू हैव यूज द नीडल, आफ्टर यूजिंग द नीडल आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, नीडल को सेपरेटली डिस्कार्ड कर देते हैं उस कंटेनर के अंदर और जो सिरिंज होती है उसको एक सेपरेट कंटेनर के अंदर डिस्कार्ड करते हैं. लास्ट जो हमारे पास है द एक्ट टू मिनिमाइज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. नंबर वन, बिफोर कॉन्टैक्ट, आपने एक पेशेंट को टच करने से पहले अपने हैंड्स को वॉश करना है और सेकेंडली जब आपने एक पेशेंट को एग्जामिन कर लिया है उसके बाद आपने दोबारा जो है वो हैंड्स को वॉश करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपने अगर नेक्स्ट पेशेंट को टच करना है या उसको एग्जामिन करना है तो एक प्रीवियस पेशेंट के इन्फेक्शन को आप अगले पेशेंट को ट्रांसमिट ना कर सकें. ये सिंपल टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं और हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव कि हमने दूसरों को इनकरेज करना है, स्पेशली जो जूनियर्स होते हैं उनको इनकरेज करना है कि वो जो प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करें, उनको ऑब्जर्व करें. और ऐसे स्टाफ, ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ या मेडिकल स्टाफ जो इनको फॉलो नहीं कर रहा उनको भी ऑब्जर्व करें.
लास्टली जो है हमारी इस सारी जो डिस्कशन का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को अप्लाई करें. यूनिवर्सल प्रिकॉशंस आर सिंपली कि आप हैंड वॉशिंग है, बिफोर टचिंग द पेशेंट वॉश योर हैंड्स एंड आफ्टर टचिंग वन पेशेंट वॉश योर हैंड्स, ताकि इन्फेक्शन जो है उनको ट्रांसमिट ना किया जा सके. नेक्स्ट इज आप अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है और हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अवेलेबल है, तो आप उसके लिए अगेंस्ट जो है वो वैक्सीनेशन करवाएं. प्रॉपर जो पर्सनल प्रोटेक्शन मेथड्स हैं उनको यूज़ करें. इफ़ यू आर एक्सपोज तो फिर आप यू मस्ट नो कि आपने उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. लास्टली ये है कि आप दूसरों को भी इंकरेज करें, दूसरों को एजुकेट करें, आइदर वो पब्लिक है या आपके साथ आपके कोलीग्स हैं, दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, कि वो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करें. One student has asked about credential. Credential simply means that के जो आपकी education होती है, आपकी qualification होती है for a particular field. For example, जब आप अपनी practical field में जाएंगे, कोई medical person है, अगर वो doctor है, तो उसकी qualification या credential उसका MBBS होगा. इसी तरह अगर कोई physiotherapist है, तो उसकी credential के अंदर DPT आएगा. Any question regarding lecture? No, ma'am. No, okay. Ma'am. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, patient safety ka final August mein hoga ki usse pehle ho jayega? फाइनल्स की जो डेट शीट है वो तो अभी एडमिन की तरफ से नहीं आई है, लेकिन इसका जो एग्जाम होगा वो सिर्फ फाइनल में होगा. ओके मैम. ओके क्लास, अल्लाह हाफिज. ओके मैम, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.